हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल पंकज साइंस वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इन दैट चैप्टर टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द क्रोमोसोम्स, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो आज के इस वीडियो में हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जिसके बारे में डिस्कस करना है, जिसमें है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और क्रोमोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के, चार, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो चार फोर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ऑन विच बेसिस द क्रोमोसोम्स आर डिवाइड इंटू डिफरेंट टाइप्स, दैट ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टूडेज टॉपिक, क्रोमोसोम। तो आज हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोम्स कहाँ पे होते हैं बच्चों? द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। द स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल दैट कैरीज द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम ये क्रोमोसोम्स करते हैं। और क्रोमोसोम्स कहाँ पे होते हैं? फिर न्यूक्लियस, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स होते हैं। द क्रोमोसोम्स आर जनरली इनविजिबल इन द न्यूक्लियस। वो हमारे, हमको दिखाई नहीं देते। दे आर अपियर्स इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। तो सेल जो है, सपोज दिस वन इज द सेल एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सेल, ये सेल की न्यूक्लियस, और सेल के न्यूक्लियस में थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन फाइबर्स। एंड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, दिस क्रोमेटिन फाइबर्स दे आर अरेंज इन अ थिक स्ट्रक्चर। ये फाइबर जो है वो उसका थिक स्ट्रक्चर तैयार होता है, एंड दैट आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। देयरफॉर द क्रोमोसोम्स आर क्लियरली सीन इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, एंड यू कैन सी दिस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप सेल डिवीजन के दौरान इस क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं। तो आगे समझ में, द क्रोमोसोम्स आर मेनली मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए। तो क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है, किससे बना होता है? न्यूक्लिक एसिड और स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन उसके अंदर होता है। तो न्यूक्लिक एसिड हमें दो प्रकार के हमें पता है, डीएनए एंड आरएनए। तो इट कंटेन्स द न्यूक्लिक एसिड डीएनए। तो इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड से ये क्रोमोसोम्स बनते हैं, और उसके साथ प्रोटीन भी क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। वी नो द जीन्स, द जीन इज अ सेगमेंट ऑन द डीएनए विच कैरीज द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन इज कॉल्ड अ जीन फॉर दैट प्रोटीन। तो जीन जो है, द जीन कैरीज द इंफॉर्मेशन अबाउट द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक इन कोडेड फॉर्म आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। तो ये जो जीन्स है, वो जीन्स कहाँ पे होते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर ही होते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर स्पेसिफिक इन द स्पीसीज। हर एक स्पीसीज के अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो है ये स्पेसिफिक होता है। देयरफॉर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर स्पीसीज स्पेसिफिक। जैसे आप यहाँ पे चार्ट के अंदर देख पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल द क्रैब कंटेन्स 200 क्रोमोसोम्स, मेज कंटेन्स 20 क्रोमोसोम, फ्रॉग के अंदर कितने क्रोमोसोम्स है? इट कंटेन्स 26 क्रोमोसोम्स। देन राउंड वर्म कंटेन्स 4 क्रोमोसोम्स, उसके बाद जो है पोटैटो कंटेन्स 48 क्रोमोसोम, और ह्यूमन बींग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंस इन डिफरेंट स्पीसीज। ये कुछ एग्जाम्पल है। हर एक स्पीसीज में क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब ह्यूमन बींग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसका अर्थ है कि हर एक ह्यूमन जो है हमारे धरती के ऊपर, जहाँ जहाँ पे ह्यूमन बींग्स होंगे, उन सभी में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे। अब क्रैप में 200 क्रोमोसोम्स है, वो क्रैप कहीं का भी हो तो उसके अंदर 200 क्रोमोसोम्स होते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फिक्स्ड इन द स्पीसीज। तो स्पीसीज के अंदर क्रोमोसोम की संख्या ही फिक्स होती है। वी नो दैट द क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम्स जो है किससे बने हुए होते हैं? डीएनए से बने हुए थे, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। एंड दिस क्रोमोसोम्स, द
क्रोमोसोम्स लुक्स लाइक अ डंबल शेप मिडवे ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के दौरान जो है क्रोमेटिन फाइबर्स असेंबल होता है और उससे क्रोमोसोम्स तैयार होते बनते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स हमें दिखाई देते उनका स्ट्रक्चर जो है डंबल शेप होता है। तो जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के दरमियान ये डंबल शेप स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स का हमें दिखाई देता है। एंड दिस डंबल शेप स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स हैज अ स्मॉल कॉन्स्ट्रिक्शन एंड दिस कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर। तो इसे कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर। तो एक जो है वो दबा हुआ हिस्सा होता है क्रोमोसोम के अंदर, एक क्रोमोसोम का पार्ट है उसमें एक दबा हुआ हिस्सा होता है जिसे कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। तो उस कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट जो इसे कहते हैं सेंट्रोमियर। आगे समझ में, तो सेंट्रोमियर द सेंट्रोमियर की वजह से देयर ऑकर्स द फॉर्मेशन ऑफ टू पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो एक कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्रोमोसोम के टू पार्ट्स हुए एंड दिस पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। तो इसे कहते हैं आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे दो आर्म तैयार हुए, दिस आर्म इज कॉल्ड एज पी आर्म एंड दिस आर्म इज कॉल्ड एज क्यू आर्म। तो क्रोमोसोम्स के दो पार्ट्स बनते हैं सेंट्रोमियर की वजह से, पी आर्म और क्यू आर्म। द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर इज स्पेसिफिक इन ईच क्रोमोसोम। तो हर एक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर की पोजिशन है स्पेसिफिक होती है, यानी कि अलग अलग होती है। एंड According to the position of centromere, the chromosomes are divided into four types. तो centromere की position के वजह से क्रोमोसोम्स जो है वो अलग अलग टाइप के हुए। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, तो चार टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स कौन कौन से टाइप के होते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। वी नो दैट द क्रोमोसोम्स आर ऑफ फोर टाइप एंड द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर ड्यू टू द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर की जैसी पोजिशन है उस तरह से क्रोमोसोम्स के टाइप्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स चार फोर टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक। द फर्स्ट क्रोमोसोम इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इन दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट इन द सेंटर, एग्जैक्टली इन द सेंटर एंड ड्यू टू विच। अब देखिए यहां पे दिस इज द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एग्जैक्टली इन द सेंटर, देयरफॉर द दिस क्रोमोसोम अपियर्स अ इंग्लिश लेटर वी and the two arms of these chromosomes are of equal length and such type of chromosomes are called as metacentric chromosome। यानी कि जिस क्रोमोजोम के अंदर सेंट्रोमियर ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से दोनों आर्म जो है इसकी इक्वल लेंथ तैयार होती है, दोनों आर्म्स जो है इक्वल लेंथ के होते हैं और ये इंग्लिश के वी लेटर के जैसा दिखता है, उसे मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम्स कहते हैं। आगे समझ में, तो सेकंड टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स जो है इट इज कॉल्ड एज सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। इन दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स द सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट सम हॉट नियर टू द मिड पॉइंट, सम हॉट नियर टू द मिड पॉइंट। देयरफॉर वन ऑफ द आर्म इज smaller or shorter than the other arm and these chromosomes appears like a English letter L and this chromosome such type of chromosomes are called as submetacentric chromosome। यानी कि submetacentric chromosomes क्या होते हैं, उसमें centromere ये center से थोड़ा दूर होता है। centromere, अब देखिए this is a stick, अब इस स्टिक का central part है लेकिन central part से थोड़ा दूर होता है, यानी कि एक arm जो है वो इसका बड़ा होता है और दूसरा आर्म जो है वो छोटा होता है। तो ये जो है छोटा आर्म जो है ये इस तरह से दिखाई देता है। देयरफॉर वन आर्म इज लॉन्ग एंड अनदर आर्म इज स्लाइटली शॉर्ट, एक बड़ा होता है और दूसरा उससे थोड़ा छोटा होता है क्योंकि मिड पॉइंट से थोड़ा दूर जो है वो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। दिस इज द सेंट्रोमियर एंड सच टाइप ऑफ
क्रोमोसोम इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक और एल के जैसा दिखाई देता है। अब तीसरा टाइप जो है इसे कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक का अर्थ क्या है, द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट नियर द एंड ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ए जो है ये क्रोमोसोम्स है, तो क्रोमोसोम्स के ये दो पार्ट है ए और बी, तो इसका मिड पॉइंट ये, तो मिड पॉइंट से वो दूसरे एक एंड पे, एक तो एक इस एंड पे होगा, एक तो इस एंड पे होगा, देयर फोर वन ऑफ द आर्म ऑफ दिस क्रोमोसोम इज लॉन्ग एंड अनदर आर्म इज वेरी शॉर्ट, देयर फोर दिस क्रोमोसोम्स अपियर्स अ इंग्लिश लेटर जी। आ गया समझ में। तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के अंदर सेंट्रोमियर जो है वो एक एंड जो है उसका जो एंड है एंड के पास होता है, तो सेंट्रल से बहुत दूर होता है, इसकी वजह से एक आर्म बहुत बड़ा हुआ। अब यहाँ पे है तो एक आर्म बहुत बड़ा तैयार हुआ और दूसरा आर्म जो है वो छोटा है, ये जो है ये बड़ा आर्म यहाँ पे तैयार हुआ है और दूसरा आर्म जो है एकदम छोटा है, तो ये आर्म जो है इस तरह से इंग्लिश लेटर जे के जैसा ये दिखाई देता है। एंड फोर्थ टाइप इज कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इन दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट राइट एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम्स, therefore these chromosomes looks like a English letter I, तो ये English letter I के जैसा दिखाई देता है, ये जो है सेंट्रोमियर और ये है क्रोमोसोम। एंड दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कंटेन्स ओनली वन आर्म, तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में क्या होता है एक ही आर्म होता है। आगे समझ में, दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक। तो ये बहुत ही सिंपल है क्रोमोसोम्स जो है, एंड दिस क्रोमोसोम्स यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, तो सेल के न्यूक्लियस में डिवीजन के दौरान आप इस टाइप्स जो है पढ़ सकते हैं। एक बार मैं इसे रिकॉल करता हूँ, मेटासेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर सेंटर में होता है और इंग्लिश लेटर वी के जैसा ही दिखता है, देन सब मेटासेंट्रिक सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा दूर होता है जिसकी वजह से एक आर्म बड़ा और दूसरा आर्म उससे थोड़ा छोटा होता है और ये इंग्लिश लेटर एल के जैसा दिखाई देता है, देन एक्रोसेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर ये एंड के पास होता है, एक एंड के पास होता है यानी कि एग्जैक्ट एंड पे नहीं एंड से थोड़ा दूर होता है जिसकी वजह से एक आर्म बहुत बड़ा और एक आर्म छोटा और इंग्लिश लेटर जे के जैसा दिखता है, और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर ये एंड पे होता है जिसकी वजह से उसका एक ही आर्म होता है और इंग्लिश लेटर आई के जैसा ये दिखाई देता है। आगे समझ में, वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दैट इज द सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल। तो सोमैटिक सेल और जर्म सेल ये दो प्रकार की सेल होती है हमें पता है, तो सोमैटिक सेल जो है जर्म सेल यानी कि द सेल्स ऑफ गोनेट्स दैट इज टेस्टिस एंड ओरिज की जो सेल है उसे जर्म सेल कहा जाता है, और उनको छोड़ के बाकी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल है उसे सोमैटिक सेल कहा जाता है। जनरली इन द सोमैटिक सेल क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जितने क्रोमोसोम्स है उनके पेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था क्रैब्स, तो क्रैब्स के अंदर टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, इन क्रैब टोटल क्रोमोसोम्स आर 100 एंड देयरफॉर द क्रैब कंटेंस 200 क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें, तो टोटल पेयर्स कितने हो गए 100 पेयर्स यानी कि ईच पेयर कंटेंस 2 क्रोमोसोम्स एंड इस तरह से 100 क्रोमोसोम्स जो है वो क्रैब के अंदर होते हैं। तो आगे समझ में, इन सोमैटिक क्रोमोसोम्स दिस पेयर, इन दिस पेयर द क्रोमोसोम्स मे बी सिमिलर और डिसिमिलर। अब ये जो पेयर्स है, इफ द क्रोमोसोम्स ऑफ द पेयर आर सिमिलर इन शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन देन दे आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स जो है वो दो प्रकार के हो गए फिर, होमोलॉगस एंड हेटेरोलॉगस। अब क्रोमोसोम जो है पेयर के अंदर क्रोमोसोम जो है वो दोनों का ऑर्गेनाइजेशन अगर सेम है इस तरह से, इफ द टू क्रोमोसोम्स आर सेम इन शेप साइज
एंड ऑर्गेनाइजेशन देन इट इज कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोजोम. दोनों क्रोमोजोम यानी कि एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं. एंड इन द पेयर इफ द क्रोमोजोम्स आर नॉट सिमिलर, अब क्रोमोजोम्स जो है वो सिमिलर नहीं होते, दे आर डिसिमिलर, एक बड़ा है एक छोटा है, तो सच टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड एज हेटेरोलॉगस क्रोमोजोम्स. आ गया समझ में, होमोलॉगस और हेटेरोलॉगस. होमोलॉगस क्रोमोजोम इसका अर्थ क्या है कि पेयर के अंदर दोनों क्रोमोजोम सेम होते हैं शेप और ऑर्गेनाइजेशन में, और हेटरोलॉगस इसका अर्थ क्या है, पेयर के अंदर क्रोमोजोम्स जो है वो एक जैसे नहीं होते हैं शेप और ऑर्गेनाइजेशन में, तीसरे कहते हैं हेटरोलॉगस क्रोमोजोम्स. आ गया समझ में. तो इन केस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे आर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, इन दैट ऑर्गेनिजम्स वन ऑफ द पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स इज डिफरेंट फ्रॉम the other pairs of chromosomes and such pair of chromosome is called as sex chromosome or allosome. इसे कहते हैं sex chromosome or allosomes. आ गया समझ में. यानी कि for example and rest of the chromosomes are called as autosomes, और बाकी के जो chromosomes है उसे autosomes कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल से आप समझेंगे. इन केस ऑफ ह्यूमन द टोटल क्रोमोजोम्स आर 46. तो ह्यूमन बींग के अंदर टोटल क्रोमोजोम्स कितने हो गए, 46. देयरफॉर देयर आर 23 पेयर्स. क्रोमोजोम्स के कितने पेयर हुए, 23 पेयर्स. आउट ऑफ द 23 पेयर्स द 22 पेयर्स आर कॉल्ड एज ऑटोजोम्स, उसे कहते हैं ऑटोसोम्स. एंड वन ऑफ द पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस 22 पेयर्स एंड दैट पेयर इज कॉल्ड एज एलोसोम्स. तो ऑटोसोम्स को सोमैटिक क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है और एलोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं. आ गया समझ में. एंड दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमोसोम्स. आ गया समझ में. क्रोमोसोम्स फिर होमोलॉगस होते हैं, हेटरोलॉगस होते हैं, यानी पेयर के अंदर सिमिलर है तो होमोलॉगस, और पेयर के अंदर क्रोमोसोम्स जो है वो सिमिलर नहीं डिसिमिलर है तो इसे हेटरोलॉगस कहते हैं. और भी क्रोमोसोम्स जो है जितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने होते हैं वो क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं, तो जितने पेयर होते हैं उसमें से एक पेयर जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में अलग होती है, तो उस पेयर को हम एलोसोम्स कहते हैं और बाकी क्रोमोसोम जो है उसे ऑटोसोम्स कहते हैं. अब ह्यूमन बींग के अंदर 22 पेयर्स है, यानी कि टोटल 44 क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स एंड 2 क्रोमोसोम्स दे आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स और एलोसोम्स. This is all about the chromosomes and their types. Thanks for watching complete video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.